पेनिस का साइज बढ़ाना है, लिंग छोटा है, लिंग बड़ा करने का है, मैंने बहुत बार हस्तमैथुन किया है, मुट्ठी मारी है, मास्टरबेशन किया है, मेरा साइज छोटा हो गया है, मैंने बहुत वीरनाश किया हुआ है, मेरी वाइफ ऐसा बोलती है कि मेरा लिंग छोटा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने तो देखा बाकी हमारे दोस्तों के लिंग बहुत बड़े, मेरा छोटा है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर लोग मेरे पास में आते रहते हैं। हालांकि लिंग का साइज के बारे में मैंने पहले बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, उसके बारे में काफ़ी सारी जो क्वेरीज थी वो भी सॉल्व की है। फिर से एक बार जब बार बार लोग आते हैं तो मुझे बार बार अलग अलग एंगल से बताना पड़ता है। क्या है कि जब आप मसाज करते हैं तो नेचुरली आप मसाज करते तो स्टिमुलेशन होगा और स्टिमुलेशन होके पेनिस का साइज बढ़ सकता है, इरेक्शन आ सकता है। तो फिर मैं हरदम जो लोग बोलते रहते कि नहीं नहीं छोटा हो गया, तो क्या होता है कि छोटा वगैरह होता नहीं है, आपका जो वातावरण है मतलब ठंड है कि गर्मी है वो हिसाब से छोटा बड़ा उसका साइज होते रहता है, मतलब वो छोटा होगा बड़ा होगा जो भी है, मैं वैसा कोई पेनिस छोटा नहीं होता रहता है। क्या है कि जब वो 18 साल के आसपास जब है, 16 साल में बच्चा जो है वो पुरुष बन जाता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, तब क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस होते रहते दिन भर में, और जब स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस होते रहते उसको लगता है कि अपना साइज बड़ा है। फिर वो 30-35 के बाद में वो स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस जो है वो बंद होते हैं या कम हो जाते, तो शादी हो जाती है, सेक्स होता है रेगुलरली, तो स्पॉन्टेनियस इरेक्शन इतने होते नहीं है, तो फिर उसको लगता है कि अपना साइज कम हो गया, तो एक कारण है। तभी भी जब लोग आते हैं कि नहीं हमको साइज बढ़ाना है, तो मैं बोलता हूँ भाई साइज बढ़ाने की दवा है नहीं कुछ, मगर आप कोशिश कर सकते हैं साइज बढ़ाने की कोशिश। लोग पूछते हैं तो हम बताते हैं कि ठीक है भाई ऐसा करो, आप कुछ ऐसे ऑयल है आयुर्वेदिक ऑयल कि जो आप पेनिस को लगा सकते हैं, मतलब उसकी जो फोरस्किन है वो फोरस्किन पीछे करो, पेनिस को लगाओ कुछ बुन लेके और उसको अच्छा मालिश करो, पीछे से आगे तक, आगे से पीछे तक ऐसा अच्छा मालिश करो, आराम आराम से मालिश करो, और मालिश करने के समय इमेजिन करो कि आप कोई लड़की के साथ में या वाइफ के साथ में शादी हुई है तो जो भी है, और आप दिमाग में विजुअलाइजेशन करो, मसाज करो, मालिश करो, इरेक्शन हो जाएंगे, और इरेक्शन होने के बाद में उसको ऐसा बाहर खींचो। जब ऐसा बाहर खींचेंगे और रोज़ ऐसा कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकली भी आपको फ़र्क लगेगा कि नहीं ठीक है अभी बड़ा हो गया है। और दूसरा अभी ये जो है ये समझो यहाँ की जो मसल्स है, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजा, ये जो है ना ब्लड वेसल्स की जो मतलब जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है, ये हो सकता है कि थोड़ी स्ट्रेच हो जाएंगी और आपको लगेगा हाँ बड़ा हो गया है। मतलब तो साइकोलॉजिकली फ़ायदा हो सकता है या थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। 4-6 महीने करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका साइज़ बढ़ा हुआ है, मगर ऐसा कुछ बड़ा होता भी नहीं, छोटा होता भी नहीं है। एक साइकोलॉजिकली आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा एक्चुअली हो गया तो हो सकता है। हम ऑयल देते हैं लगाने के लिए, वो स्पेशली सेक्स करने के पहले ऑयल देते हैं कि उस समय ऑयल लगाओ और मालिश करो तो इरेक्शन अच्छा हो जाएगा। बाकी 1.5 इंच से भी कम है तो आप समझ सकते हैं कि नहीं अपना छोटा है लंबाई में। जब ढीला है तो 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, और इरेक्ट है तो 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए। बाकी कितना भी छोटा रहो बड़ा रहो, इतना तो मिनिमम साइज़ है, वो यदि आपका है तो आपका छोटा नहीं है। आप कृपया ब्लू फिल्म्स, पॉन वीडियोस इसमें मत देखो, वहाँ स्पेशली वो लोग लाए जाते हैं कि जो लोगों का कुदरती साइज़ बहुत बड़ा है, 7 इंच है, 8 इंच है, कुदरती है, और उनको सेक्स करने लगाते हैं और अपने को लगता है कि अपना छोटा है, तो वो नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल है। 1000 में से 1000 पुरुष में से 3 या 4 लोगों का ही 7 इंच या उससे बड़ा होता है, तो आप उससे कंपेयर मत करो, अपना छोटा है उससे कुछ होता नहीं है। औरत को, कोई भी लेडी को अंदर 1.5 इंच तक का ही सेंसेशन होता है, मतलब कितना भी लंबा अंदर गया और उसको पूछा कि भाई आपको कितना लगता है, कितना साइज़ है, कितना लंबे, तो 1.5 इंच है, क्योंकि उसको अंदर कोई सेंसेशन रहता ही नहीं है। तो फिर लंबा है, छोटा है, मोटा है, फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ, औरत को यदि एन्जॉयमेंट आपको लाना है तो डेफिनेटली आपने क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना जरूरी है, योनि लिंग को चेतावनी देना जरूरी है, और 1.5 इंच जो वजाना का, योनि का जो बाहरी 1.5 इंच का हिस्सा है, वहाँ फिंगरिंग करके, टिकलिंग करके एक्साइटमेंट लाना जरूरी है। वो यदि करते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मसाज करना या साइज बढ़ाना, उससे स्त्री को संतुष्टि होगी तो इसमें कोई मतलब नहीं है। ये करना है करके लोगों ने बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में जाते हैं और अपना चीटिंग कर लेते हैं। करना ही है, बहुत ही लोग पीछे पड़ गए, तो हम बोलते ठीक है भाई चलो ये आयुर्वेदिक तेल लो, मसाज करो, थोड़ा साइकोलॉजिकली अच्छा लग जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लोगों को शेयर करो कि जिनको लगता है
कि अपना साइज बढ़ाना है, छोटा है, और डेफिनेटली उनको इससे राहत मिलेगी, उनका टेंशन कम हो जाएगा, उनका सेक्सुअल लाइफ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डानाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना। तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है। इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर, वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश, जुनून, उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।